शुरू करते हैं मैम। जी हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय सेल्फ डॉक्टर मानसी पाटिल फ्रॉम कोल्हापुर। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ इग्नाइटेड माइंड्स बाय PHF टू दिस वंडरफुल सीरीज ऑफ लर्निंग गुरुजी के साथ गुरुवार दैट वी स्टार्टेड ऑन 2 जून 2022 अंडर द मेंटरशिप ऑफ आवर गुरुजी डॉक्टर लियाकत नामोले सर। So it gives me immense pleasure to announce that it is our 85th lecture, and as you all know, we celebrate 8th March as Women's Day. So we as PHF have decided to respect our women power. So we are celebrating the whole month as Women's Special Month. So and we are blessed to have our first speaker as Neelam Madam. So everyone know Neelam Madam as a morning mentor. She posts her daily rubric sharp at 8 a.m. since many years. So I would like to give some intro about Madam, that Neelam Madam has passed her DHMS in the year 1985, and since then she is practicing homeopathy. So it is more than 37 years now. And when she came in contact with Dr. Sehgal sir in the year 1993, she started her homeopathic practice solely on mind method. So since then she is practicing mind method and giving wonderful results in any kind of disease. So madam is associated with the group that is ASRH with Dr. Amarjit Singh Mann sir. She is co-author of the book that is Homeopathy and Mind, where Dr. Mann sir and Dr. Bhupinder sir also have author of this book. And she is author of her book that is Marble Sapphire, where she has shared 51 cases from her clinical experience. So madam has been invited as a speaker on many platforms, and she has taken many seminars. She runs two, three OPDs, two charitable OPDs, as well as her own OPD also. So without wasting much time, I think we will welcome Neelam Madam with a huge round of applause. Welcome, Madam. Welcome, ma'am. Welcome, Neelam Thank Didi. you. And one more thing I want to add about Neelam Didi is she's my sister, Yeah. and she has beautiful, beautiful experience about gluten allergies. She Yeah. has excellent results about gluten allergies. Excellent results about gluten allergies. Yeah. Okay. Thank Oh, you, God Doctor. is Yeah, healing. God is continue. healing many, many souls of gluten allergy with my sister's hands. So I pray for her and वो क्या कहते हैं ना कि बिस्मिल्ला कर रही है दीदी वुमेन्स वीक का। तो गाइस एनी क्वेश्चंस, कीप योर क्वेश्चंस रेडी, कीप योर नोटबुक्स रेडी एंड लेट्स वेलकम माय सिस्टर डॉक्टर नीलम। ओवर टू यू नीलम थैंक दीदी। यू, थैंक यू डॉक्टर लियाकत जी. मैं हमेशा जब भी बात करती हूँ, मुझे लगता है कि आप ये जो 100 सीरीज का कर रहे हैं, दिस इज समथिंग वेरी गुड. इतना बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म, हर हफ्ते, हर थर्सडे आप डिफरेंट स्पीकर्स को लेके आते हो, एंड इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता. सो दिस इज समथिंग वेरी गुड. एंड वैसे भी आपके जो केसेस मैं देखती हूँ, ऑसम. एक लाइन लिखते हो, केस क्लियर, केस डन. सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट वी हैव थैंक यू। रीच्ड अप टू 85th ऑफ दिस एपिसोड ऑफ दिस या 100 सीरीज. या मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू, थैंक यू। एंड यू आर पार्ट सो ऑफ इट। कांग्रेचुलेशंस टू यू टू। या थैंक यू, थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. आज हम बात करेंगे वोकल कॉर्ड के सिस्ट की एंड वोकल कॉर्ड के पॉलिप की. वोकल कॉर्ड्स जो के हमारे स्पीच के साथ, हमें हमारी वॉइस के साथ कंसर्न्ड है. हम बोलते हैं बिकॉज ऑफ वोकल कॉर्ड्स, लेकिन कई बार क्या होता है कि वोकल कॉर्ड में कोई सिस्ट हो जाता है या कोई पॉलिप हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट बोल नहीं सकता.
आज मैं कोशिश करूंगी कि 3 cured cases ऑफ वोकल कॉर्ड सिस्ट एंड पॉलिप वो आई प्रेजेंट हियर. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस. आप केस लिखते जाइए साथ में, मैं धीरे धीरे बोलूंगी, आप लिखते जाइए और 10-15 मिनट के बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे. आप अपना एनालिसिस मेरे एनालिसिस के साथ मैच कर सकते हैं, हम रूब्रिक्स बनाएंगे. जब हम होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं तो दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एलोपैथी. एलोपैथी में पेशेंट आता है, उनको दो बातें बताता है, वो दो दवाइयां लिखते हैं, काम खत्म. पेशेंट और कोई बात बताता है, वो एक और दवाई लिख देते हैं. पेशेंट कोई और बात बताता है, वो कोई और दवाई लिख देते हैं. सो दे कीप ऑन राइटिंग मेडिसिन. लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता. होम्योपैथी में हमें हर एक पेशेंट के लिए एक मेडिसिन की जरूरत होती है. ये नहीं कि हम ढेर सारी 10 दवाइयां दे दें, 20 दवाइयां दे दें, पेटेंट्स दे दें, कॉम्बिनेशंस दे दें. नो, दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी. जो भी हमारे डॉक्टर्स एक से दो से ज्यादा दवाइयां इस्तेमाल करते हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स काम नहीं करते. सो मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है, ट्राई टू फाइंड आउट वन मेडिसिन फॉर वन पेशेंट एट वन टाइम. ये बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप पेशेंट को क्योर देना चाहते हो, उस केस में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो उसके लिए एक मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, ओनली वन मेडिसिन. और मैंने जैसे अभी डॉक्टर लियाकत जी ने बोला कि वीट एलर्जी के सीलियर केसेस हैं, एक मेडिसिन से केस ठीक होता है. ये नहीं है कि 10-10 दवाइयां दे दें, 20-20 दवाइयां दे दें, कॉम्बिनेशंस भी दे दें, बायोकेमिक दे दें, मदर टिंचर्स दे दें. नो. सो एक होम्योपैथ का सबसे बड़ा काम है दवाई की सिलेक्शन करना. ये सबसे बड़ा काम है. उसके लिए प्रॉपर रूब्रिक्स बनाने. पेशेंट सिम्टम देता है, हम रूब्रिक्स बनाते हैं उनको, कुछ अपनी मेडिकल बुक्स की रेपर्टरी के अकॉर्डिंगली उनको कन्वर्ट करते हैं. दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. ये इसी में हमने लर्न करना है, इसी को हमने और से और ज्यादा प्रैक्टिस करना. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक केस से. ये एक लड़की है, सिंगर है, 40 इयर्स की, गाने गाती है, बहुत सालों से उसका ये पेशा है, वो एक रिनाउंड सिंगर है. तो उनका मुझे फोन आया, लास्ट ईयर की बात है, कि मैं बहुत सालों से सिंग कर रही हूँ, 4-4, 5-5 घंटे मेरा कॉन्टिन्यूस सिंगिंग होता है, लगातार घंटे घंटे मैं गाती हूँ. और एक दिन क्या हुआ कि सिंग करते करते तकरीबन 6-8 महीने पहले, 8-10 महीने पहले, के गाते गाते मेरा गला एकदम बैठ गया. मैं फटाफट डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने दवाई दी, एंटीबायोटिक्स दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा. फिर उन्होंने बोला कि एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी, पता लगाएं कि है क्या. तो वहां पे उनका 2 mm का एक नोड्यूल निकला है, जिसे उन्होंने कहा कि ये वोकल कॉर्ड पॉलिप है. म्यूकोजल रेडिश कलर का था, दोनों जो वोकल कॉर्ड्स के सेंटर में था. तो होता क्या है जब पॉलिप होता है या सिस्ट होता है, जब हम ऊंची आवाज में बोलते हैं वो दोनों के दोनों साइड्स ऐसे चिपक जाती हैं एक दूसरे के साथ. लेकिन अगर बीच में कुछ आ गया, जैसे पॉलिप आ गया, तो वो आवाज फट जाती है. तो ये जो सिंग करते थे, इनकी आवाज ऊंची आवाज नहीं निकलती थी. तो इन्होंने ईएनटी वालों को दिखाया, फिर दूसरे कम से कम इन्होंने 5-6 डॉक्टर्स को दिखाया. फिर इन्होंने दोबारा, फिर आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद दवाई खाने के बाद, इन्होंने दोबारा से अपना एंडोस्कोपी कराई, जिसमें वो जो 2 mm वाला पॉलिप था वो अब 3-4 mm उन्होंने लिख दिया कि थोड़ा बड़ा हो गया. शी टुक होम्योपैथिक मेडिसिन ऑल्सो. एक डॉक्टर ने उनको चंडीगढ़ में दवाई दी, तो मैंने पूछा कि कितनी दवाइयां थी. शी सेड के 4-5 मेडिसिन थी. और 4 मंथ्स मेडिसिन ली, तब भी इनको फर्क नहीं पड़ा. इन्होंने बोला कि जब भी मैं ऊंची आवाज में बोलती हूँ या ऊंचा
जोर लगा के बोलना चाहती हूँ, मेरी आवाज क्लियर नहीं होती, वो फट जाती है, होर्स काइंड ऑफ हो जाती है, और मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी इस चीज का असर होने लग गया। फिर इन्होंने लुधियाना दिखाया और कहीं दिखाया, काफी सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद बाय चांस इन्होंने मेरी वीडियो देखी, जो एक मैजिकल केसेस, 3 मैजिकल केसेस वाली वीडियो है यूट्यूब पर, वो उन्होंने देखी। तो उन्होंने देखा कि मैंने ये एक सिंगर का केस ठीक किया है। तो मैंने पूछा कि अपने बारे में बताइए, अपनी फैमिली के बारे में, घर के बारे में। मैं सभी से इस तरह के क्वेश्चंस करती हूँ ताकि उनके बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जान सकूँ। अक्सर यही होता है कि अगर हम पेशेंट के बारे में, उसका गुस्सा जानना है, उसका रहन सहन जानना है, उसकी साइकी जाननी है, तो उसकी फैमिली के अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा, फैमिली कैसी है, किसके साथ रहते हैं। तो मैंने उनके उनसे पूछा कि अपनी फैमिली के बारे में बताइए। तो उन्होंने बोला कि शी इज डाइवोर्सी एंड वो अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं, और उनका एक छोटा ब्रदर है, और इनका अपना कोई बच्चा नहीं है, और भाई के 2 बच्चे हैं जिन्होंने इन्होंने उन दोनों बच्चों को अपना ही बच्चा कंसिडर किया हुआ है कि वो मेरे ही बच्चे हैं दोनों, और उन बच्चों को स्कूल लेके जाना, स्कूल छोड़ के आना, वापस लेके आना, खाना बनाना, उनका ध्यान रखना, वो सारा उन बच्चों का, दोनों का खुद करती है। तो मैंने पूछा कि गुस्सा वगैरह कितना आता है, तो उन्होंने बोला कि गुस्सा तो कम ही आता है, लेकिन अगर कभी बोल दूं, अगर कुछ कह हो जाए मेरे से किसी को, फिर मुझे बहुत ज्यादा पछतावा होता है और गिल्ट बहुत होता है, बार बार मैं सॉरी सॉरी कहती रहती, चिंता बहुत होती है, बच्चों की चिंता होती है, जो दोनों बच्चे हैं उनकी चिंता होती है, कितनी चिंता होती है। तो कहते हैं कि अभी पीछे एक बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, कुछ चेस्ट में प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं सारी रात बच्चे के साथ जागती रही, बहुत ज्यादा बच्चों का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा बच्चों की मैं चिंता करती हूँ। वो लोग मेरी भी बहुत केयर करते हैं, मतलब उन्होंने इस तरह से बोला कि ऐसे नहीं कि मैं ही करती हूँ, वो लोग भी मेरी बहुत केयर करते हैं क्योंकि ये पैसे कमाती हैं और उसी पैसों से घर चलता है। और अब तो कहते कि मैं, मेरी प्रैक्टिस ही छूट गई, मैं तो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाती क्योंकि मेरे से मेरे आवाज ही नहीं निकलती। और डॉक्टर्स ने बोला था कि सर्जरी होगी, तो मैं तो डर गई एक बार तो, कि सर्जरी होगी, पता नहीं कुछ और ही ना काट दे, क्या कर दे, कहाँ से, कुछ नहीं पता नहीं कि क्या करेंगे। सो मैंने कहा कि नहीं, पहले तो मैं दवाइयां ही खाऊंगी, दवाई खा के ही देखूंगी कि ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स का क्या पता, ऐसे ही कोई गले में इधर उधर कट, तो उन्होंने कोई ये नहीं बोला कि आपका कंफर्म्ड है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो इसलिए अगर कभी नौबत आए तो करवा भी लूंगी, लेकिन अभी तो नहीं, एट दिस स्टेज तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं बच्चों के लिए मैं बहुत ज्यादा चिंता करती हूँ बच्चों की, तो इसलिए मैं डर जाती हूँ कि मैं ऐसी किसी मुसीबत में ना फंसूं। छोटा बच्चा, मेरा ध्यान उसी में ही रहता है कि बाहर चला गया, देखूं क्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, और क्योंकि आजकल बड़ी उल्टी सीधी खबरें आती हैं, वो तो खबरें मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं, मैं कोई भी ऐसी उल्टी सीधी खबर नहीं सुन सकती। सो दिस इज द केस। उन्होंने एक बात और बोली कि सिंगिंग मेरा प्रोफेशन है और मैंने कई सालों से एक बहुत अच्छा मुकाम पाया है, बहुत सारे मेरे शोज होते हैं, और ये मुकाम जो मैंने हासिल किया है, मैं उसको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। सो दिस इज द केस। हम जब भी कोई केस लेते हैं, मैं उसको दोबारा पढ़ती, सारे को दोबारा पढ़ती हूँ, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हूँ कि इसमें मेन मेन कौन सी चीजें हैं। इस केस में भी जो मुझे लगा वो 3 4 मेन चीजें, और उसकी मैं एक स्टोरी बना के अपने दिमाग में कि ये एक लड़की है, सिंगिंग उसका प्रोफेशन है,
आज उसने एक अच्छा मुकाम पाया है। खुद को वो समझती है कि यस मैं आई हैव डन समथिंग, कि मैं एक खास मुकाम पर पहुंच गई, लोग मुझे जानते हैं। और इसकी ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री भी थी इस लड़की की। और वैसे ट्यूबरकुलोसिस अब नहीं है, बहुत साल पहले हुआ था। ये भी नहीं मैंने लिखा हुआ कि कौन से ऑर्गन में था, लेकिन टीबी की इन्होंने 9 मंथ्स मेडिसिन ली थी 8-10 साल पहले, तो अभी उससे कोई लेना देना नहीं है। सो दिस इज द केस। जो भी डॉक्टर्स कुछ रूब्रिक्स बनाना चाहते हैं तो वो बनाइए, और मुझे आप अनम्यूट करके उसके बारे में बता सकते हैं कि कौन सा आपने रूब्रिक लिया और किस बेसिस के ऊपर। एनीवन? एक्सक्यूज मैडम, जी इसमें एक रूब्रिक तो चूंकि वो सॉरी डॉक्टर मोहम्मद लिया कैसर फ्रॉम पाकिस्तान लाहौर, और जी इसमें इसमें जो मुझे फील हुआ है क्योंकि वो बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन लेती हैं, जी जी इम्पेशेंट अबाउट चिल्ड्रन, जो मेन मुझे रूब्रिक नजर आ रही है इम्पेशेंट अबाउट चिल्ड्रन और एंग्जाइटी अबाउट चिल्ड्रन, और उस पे जो खबरें होती हैं उस पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, तो हॉरिबल न्यूज अफेक्ट वो जी वाली, बिल्कुल वो वाली बिल्कुल रूब्रिक मुझे मुझे केस इन 3-4 रूब्रिक के गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। थैंक यू। जी, गुड, बहुत अच्छा है। और कोई डॉक्टर्स? चलो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहला रूब्रिक मैं लेती हूँ, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो फिजिकल प्रॉब्लम चाहे कुछ भी है, जैसे किसी को आर्थराइटिस है तो आई डेफिनेटली टेक आर्थराइटिस, चाहे मैं उसको इंपॉर्टेंस दू या ना दू। तो यहाँ पर वो पॉलिप था, इन जनरल पॉलिप मैंने ले लिया, जिसमें बहुत सारी आई थिंक 73 मेडिसिन है। जरूरी नहीं कि हमने उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अब इसका प्रोफेशन है सिंगिंग, सो मेरा फर्स्ट रूब्रिक होगा सिंगिंग, कि वो गाने गाती है। सेकेंड उसने बोला कि उसने एक मुकाम पाया है ये सब कुछ करके, तो डिल्यूजन ग्रेट पर्सन इज, कि वो एक सिंग करती है और आज एक उसने वो एक पोजीशन पे है, एक जगह पे है, सो डिल्यूजन ग्रेट पर्सन इज। और जो नेक्स्ट इन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला कि एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट केयर्स फुल ऑफ, केयर्स वरीज फुल ऑफ, हम इसमें इम्पेशेंट नहीं लेंगे, क्योंकि इम्पेशेंट मुझे लगता है उसमें एक ही मेडिसिन है, आई थिंक दैट इज, देखती कालिखा, हूँ कौन सा कालिखा, है, कालिकार। कालिकार, या एक ही मेडिसिन है। तो हमने जब भी सिलेक्शन करनी है रूब्रिक्स की, वो इस तरह के हों के उसमें कम से कम 2-4 दवाइयां हों। अगर काली कार्ब है तो पूरा काली कार्ब का थीम आना चाहिए। तो हम एक बड़ा रूब्रिक लेंगे कि बच्चों की वो बहुत चिंता करती है, एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज, बच्चों की बहुत केयर करती है, उनका बहुत ध्यान रखती है। बच्चा बीमार हो गया, बच्चा हॉस्पिटल में चला गया, उसको चेस्ट इंफेक्शन होगी तो वो सारी रात जागती रही, दिस इज केयर्स वरीज फुल ऑफ। अगर हमारे पास कोई ऐसा रूब्रिक नहीं है कि चिल्ड्रन अबाउट करें, या चिल्ड्रन अबाउट में सिर्फ एक ही मेडिसिन है, तो हम उसको साइड पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो लिया है केयर्स वरीज फुल ऑफ, इसमें काफी सारी मेडिसिन है, 72 मेडिसिन है, लेकिन एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट इसमें सिर्फ 8 मेडिसिन है। और जो उन्होंने एक और रूब्रिक लिया कि हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली, कि इन चीजों का जो आजकल सुनते हैं, खबरें सुनते हैं, बाहर कुछ भी होता है, तो हॉरिबल थिंग्स जो है, इस तरह की बातें होती हैं, वो उस पर बहुत असर डालती हैं। तो ये भी बहुत अच्छा रूब्रिक है जो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने लिया था। तो उन्होंने
एक बात और बोली, जब मैंने पूछा कि गुस्सा गस्सा कितना आता है या अपने बारे में बताइए, तो उन्होंने कहा था कि गुस्सा इन जनरल नहीं आता लेकिन कभी आ जाता है तो मैं बोल देती हूँ, लेकिन फिर मुझे गिल्ट बहुत होता है, पछतावा बहुत होता है कि ये क्या क्यों बोला, और मैं सॉरी सॉरी करती रहती। तो यहां पर एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस ये भी ले सकते हैं, या रिमोर्स रिपेंट्स क्विकली। सारे रूब्रिक्स में के मीनिंग्स में रिमोर्स एंड रिपेंटेंस दोनों बहुत क्लोज रूब्रिक है, दोनों में पछतावा होता है, दोनों में पेशेंट रिपेंट करते हैं कि मुझे पछतावा है। रिपेंटेंस एंड रिमोर्स दोनों में फर्क क्या है, कहाँ पे वो लगना है कहाँ पे ये लगना है। रिपेंटेंस में होता है कि पेशेंट को लगता है मैंने बहुत गलत किया, अब मैं आगे से नहीं करूंगा, वहां पर हम रिपेंटेंस है तो भी नहीं आगे से नहीं बोलना। और बहुत कम मेडिसिन है इसमें, पहले तो 5 ही हुआ करती थी, अब शायद 7 मेडिसिन है, 7 से रडार में तो 7 से भी ज्यादा हो गई होंगी। तो एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस, साथ के साथ गिल्ट फील होना, ये जो गिल्ट है ये रिपेंटेंस है, और रिमोर्स एंड रिमोर्स रिपेंट्स क्विकली, जल्दी से बहुत जल्दी साथ के साथ पछतावा हो जाना कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्यों बोल दिया। क्विक क्विक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्विक साथ के साथ 2 मिनट में 5 मिनट में झट से। तो जब ये सारे के सारे मैंने रूब्रिक्स डाले, मैं बहुत बार हैरान होती हूँ कि 10-12 रूब्रिक डाले कि क्या उन रूब्रिक्स में मेरी एक मेडिसिन निकल सकती है। तो इसमें जैसे ही ये सारे रूब्रिक्स डाले तो द मेडिसिन वॉज सल्फर, क्योंकि सल्फर में रिपेंटेंस बहुत होता है, सल्फर खुद को समझता बहुत है। और अगर हम लें वो, क्योंकि उसने 2-3 बार बोला कि यस मैंने ये मुकाम पाया है, तो यहाँ पे थोड़ी सी इगोटिज्म भी दिख सकती है, वो भी अगर ले तो सल्फर में ईगोटिज्म बहुत होती है, रिमोर्स होता है, पछतावा बहुत ज्यादा होता है। तो उनको जो मेडिसिन मैंने दी, हमारा हम किसी भी पेशेंट की जब मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो 30 पोटेंसी से करते हैं, ऑलमोस्ट ऑलवेज 99% केसेस में 30 से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इनको सल्फर 30 की 2 डोज दी। सल्फर के पैरेलल जो मेडिसिन आई वो थी फास्फोरस, उसके साथ थी लैकेसिस, लेकिन फास्फोरस में क्विक रिपेंटेंस बिल्कुल भी नहीं होता। फास्फोरस एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो बहुत अफेक्शनेट होते हैं, जितना प्यार उनको दे दे दो उससे दुगना प्यार वो वापस करते हैं, लेकिन रिमोर्स क्विकली रिपेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और लैकेसिस में भी डिटो ऐसे ही है कि ना तो उनमें रिपेंटेंस होता है क्विक ना रिमोर्स होता है। सो वो दोनों मेडिसिन बिल्कुल भी इसमें कवर नहीं हो रही थी, क्योंकि ये बात उन्होंने खुद बोली कि मुझे गिल्ट बहुत होता है और मैं सॉरी सॉरी करती रहती। जो बात पेशेंट खुद से बोले वो बात हम छोड़ नहीं सकते। सो सल्फर 30 की मैंने 2 डोज दी कि कभी ले लो दूसरी, फिर मेरे साथ बात कर लेना तो मैं बता दूंगी कब लेनी है। एंड अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक ही उनका मुझे फोन आया कि डॉक्टर साहब मेरा तो गला बिल्कुल ही ठीक हो गया और मुझे तो लगता है कि मैं अच्छी तरह से गा सकती हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप गा के रियाज करके देखिए कि किस तरह से आवाज आपकी कितनी ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैंने कल भी रियाज थोड़ा सा किया, आज भी किया, और मैं चाहती हूँ कि अब मैं 3-3 4-4 घंटे रियाज करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ। मैंने कहा जी करिए, बिल्कुल करिए, और उनको दूसरी डोज लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और 1 महीने के बाद उनको फिर से मैंने मेडिसिन का उनका आया कि 1 महीना और खा लेती हूँ, देन आई डिड नॉट सेंड सल्फर, इट वॉज ओनली प्लेसिबो। तो एक ही डोज से उनका गला बिल्कुल ठीक हो गया, उनका पॉलिप जाता लगा, एंड अगेन उन्होंने अपना सिंगिंग का प्रोफेशन दोबारा से जस्ट थोड़े दिनों के बाद ही स्टार्ट कर लिया। और उन्होंने मुझे
बहुत, जो बाद में उन्होंने लिख के भेजा कि मेरा एक प्रोग्राम हुआ और आई एम सो हैप्पी 1 महीने के बाद कि इतना बढ़िया हुआ, पहले से भी ज्यादा हुआ। और जब भी ये इन्होंने फोन किया बाद में 2-3 बार, हर बार हाथ जोड़ के डॉक्टर साहब थैंक यू, मैंने इतनी दवाई खाई थी 6-8 महीनों से, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही आपकी वो एक डोज ली। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। कहते हैं कि होम्योपैथी एक आर्ट है, ये आर्ट है मेडिसिन की सिलेक्शन का अकेला। और हम रिपीटेड दवाइयां नहीं देते कि सल्फर शुरू कर दी तो 30 में दे दी, 200 में दे दी, कॉन्टिन्यूसली खाई चले। इतनी होम्योपैथी की एक सिंगल डोज में पावर है, क्योंकि ये हम पेशेंट के अंदर एनर्जी इंट्रोड्यूस करते हैं कि उसकी एक डोज भी बहुत काम कर सकती है। सो इस बात को 1 साल से ऊपर हो गया एंड द पेशेंट इज वेरी हैप्पी, शी इज एंजॉइंग, शी इज सिंगिंग अगेन। सो ये मेरा पहला केस था। कैसा लगा आपको ये केस? बहुत बढ़िया मैम, मैम गुड। मैं एक चीज पूछूं। बहुत जी अच्छा जी लगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, जैसे उसने बोला था कि उसने एक मकाम पाया है और मैं उससे वो हटना नहीं चाहती, तो मैम ऐसे में हम एक्सक्लूसिव टू और फियर ऑफ लूजिंग पोजीशन नहीं लेते? एक्सक्लूसिव टू हम कहाँ लेंगे? यहाँ पे एक्सक्लूसिव टू में पेशेंट कहता है कि जब भी कभी मैंने मेडिसिन लेनी होती है तो मैं किसी स्पेशलिस्ट को दिखाता हूँ, सुपर स्पेशलिस्ट को दिखाता हूँ, HOD को दिखाता हूँ, जहां पे वो खुद को बहुत ज्यादा समझ रहा है कि आई एम समथिंग। और मैं छोटे मोटे डॉक्टर को नहीं दिखाता, वहां पर हम एक्सक्लूसिव टू लेते हैं। ऐसे ओके अगर पेशेंट बोलते हैं कि मैं सिंग करता हूं, मैंने ये मुकाम हासिल किया है, तो वो खुद के बारे में बोल रहा है दैट ही इज समथिंग ग्रेट। हम इस तरह से लेते हैं। एक्सक्लूसिव टू में होगा कि मैं बहुत ज्यादा स्पेशल हूं, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। ओके मैम, हाँ, तो वहां पे दूसरी तरह से हम सोच सकते हैं। और दूसरा आपने क्या बोला था? फियर ऑफ लूजिंग पोजिशन। नहीं, उसने किसी भी डर की बात नहीं की। अगर वो जी बार बार ये बात कहती, अभी आएगा एक केस ऐसा भी, अगर वो बार बार ये बात कहती कि डॉक्टर सर मुझे डर है कहीं मैं खो ना जाऊं इस सारे में, कहीं मेरा प्रोफेशन ना खत्म हो जाए, कहीं मैं गा ना सकूं, मुझे इस बात का डर, वो डर वाली उसने कोई भी बात नहीं की। So, इसलिए जो उसने नहीं बोला तो वो हम ऐसा नहीं ले सकते। उसने मैम, जैसे उसने ये बोला था ना कि मेरा मकाम पे मैं पहुंची हूं, मैं वहां से मैंने हटना मुकाम नहीं चाहती। हासिल किया है, राइट, या तो ये नहीं कि अब मेरा मुकाम खो रहा है, वो अभी भी उसकी ट्राई चल रही है कि मैं ठीक हो जाऊं, उसी मुकाम तक रहूं। अगर वो ये बोलती कि आज मैंने मुकाम हासिल किया है और इसके खो जाने का डर है कि कहीं मैं सारी उम्र गा ही ना सकूं, कहीं मेरा गला ठीक ही ना हो, वो इस तरह की बातें करती, फिर वहां पे हम सोच सकते थे कि उसको अपनी पोजीशन, अपना जो मुकाम हासिल किया उसके खो जाने का डर है। लेकिन अभी उसने ऐसा नहीं बोला था, उसने सिर्फ ये बोला कि मैंने एक मुकाम हासिल किया। यहाँ पे उसका प्राउड मोमेंट भी आता है कि मैंने ईगोटिज्म, मैं कि किसी मैंने ऐसे किया, तो ने कुछ यहां पर ऐड करूं? मैंने डिल्यूजन ग्रेट पर्सन इज ही लिया। मैं कुछ ऐड करूं दीदी, यहाँ जी पर जी जी बिल्कुल। टू आंसर एक्सक्लूसिव, टू रिमेम्बर एक्सक्लूसिव वेरी इजी। एक्सक्लूसिव मतलब द पर्सन हु कीप्स एक्सक्लूडिंग अदर्स, एक्सक्लूड या करते चलता है। ओके, कि ही विल ट्राई टू से दैट हाउ डिफरेंट एंड यूनिक द पर्सन इज, एंड ही विल एक्सक्लूड कि मैं गली के डॉक्टर के पास नहीं जाता, मेरा स्पेशल डॉक्टर के पास जाता हूँ, मेरा खाना भी अलग जला जगह से आता है। कहते थे ना, नेहरू सा नेहरू जी के कपड़े जो है वो कश्मीर से इस्त्री होकर आते थे या इटली से होकर आते थे, ऐसी कुछ एक कहावत थी बचपन में हमने सुनी थी।
वो एक्सक्लूसिव होता है, मतलब ओनली मेड फॉर हर। वो कहते ना कि ये मेरा पति सिर्फ मेरा है, दैट इज एक्सक्लूसिव। ओके, एंड ये प्रोपोजिशन वाला जो रूबी है जो दीदी बता रही है, वो लेडी वेल्थ में भी बहुत है अभी भी, कि मेरा सिर्फ हाई पिच नहीं लग रहा है, मतलब शी इज एबल टू मैनेज, मतलब वो अभी भी अपने ईगो में, अपने वेल्थ में, अपने ग्रेटनेस में है कि भाई मेरे को पॉलिप भी हो गया है, फिर भी मैं हाई पिच नहीं गा पा रही हूँ, मैं अभी भी गा पा रही हूँ। और देखो ये ऑब्वियस है कि एक मकाम हासिल करने के कौन कौन होना चाहेगा, तो वो फियर तो आना लाजमी है। अगर वो बोलती कि देख ऐसा लग रहा है, देखो एक रूबरी की जिसमें सल्फर डिल्यूजन ग्राउंड गेव अवे बीनीथ हिज फीट, कि मेरे पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, तो वो उस पोजीशन तक अभी आई नहीं है। शी इज एबल टू मेंटेन वेयर शी इज एंड शी इज एबल टू मैनेज, यही खासियत होती है सल्फर की। सल्फर हार नहीं मानता है, सल्फर मेंटेन करते रहता है, वो वेयर एवर ही इज। सल्फर में ही और शी के रूबरी का अगर आप ढूंढोगे ना, तो मैक्सिमम रूब्रिक्स यू विल फाइंड इन सल्फर ऑफ ही देन शी। तो शी द पेशेंट हैज नॉट बिकम शी येट, ओके, एंड रेस्ट तो दीदी इज एक्सप्लेनिंग वेल। थैंक यू। और एक्सक्लूसिव टू में वी हैव ओनली थ्री मेडिसिन, कैल्केरिया कार्बेट नेट्रोम्योर एंड देयर इज, हाँ एक्सक्लूसिव टू में तीन मेडिसिन हैं, इसलिए प्लैटिना, कौन प्लैटिना, हाँ प्लैटिना यस। और मैं आपको एक्सक्लूसिव टू का मैं एक छोटा सा केस बीच में बताती हूँ कि एक बार मेरे पास एक पेशेंट आए और उनके सारे हाथ पे सोरियासिस के बड़े बड़े पैचेस बने हुए थे, क्रैक्स इधर। बहुत अमीर बंदा था, बहुत ज्यादा, मतलब पूछो मत कि कितनी उसके पास वेल्थ थी, बहुत ज्यादा। तो जब वो मेरे पास आए तो मुझे कहते कि मैंने पीजीआई से ट्रीटमेंट करवाया, मैंने फलाने एचओडी से करवाया और एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं जब भी किसी के पास जाता हूं तो हमेशा मेरे मन में होता है कि मैं किसी सुपर स्पेशलिस्ट को, स्पेशलिस्ट भी नहीं, सुपर स्पेशलिस्ट को दिखा। तो उनको मैंने नेट्रोम्योर दी थी जिससे उनका सोरियासिस वगैरह सब ठीक हो गया था और तकरीबन उनका 1 साल ट्रीटमेंट चला, क्योंकि कभी चेंज ऑफ वेदर में उनको प्रॉब्लम आ जाती थी, कभी समर्स में। लेकिन जो उनका मेन वो था कि मैं हमेशा ही किसी, क्योंकि वो खुद को समझता है कि आई एम समथिंग, बाकी सबको डॉक्टर साहब ने जैसे बोला कि बाकी सबको एक्सक्लूड कर दो, आई एम द थिंग ओनली। सो अभी मैं आपको, जैसी आपने बात की है कि मैडम जी मैडम इसमें सॉरी, एक वो चेजिंग द पीकॉक भी एक है ना जी रूब्रिक, वो भी जी कोई इस मतलब में आता है ना, कि वो भी बड़े बड़े स्पेशलिस्ट बड़े बड़े चीजों के पीछे फिरता है हमेशा। सर एक बात सुनो, पहली बात तो मैं जब भी मैं यूज करती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं डायरेक्ट रूब्रिक यूज करूँ, मुझे मेटाफर्स बनाने बिल्कुल नहीं आते। चेजिंग पीकॉक्स मैंने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार डॉक्टर्स के द्वारा एक्सप्लेन किया हुआ देखा है, लेकिन मेरे से ऐसी चीजें ली नहीं जाती। मैं हमेशा ही डायरेक्ट रूब्रिक्स लेती हूँ, मेटाफोर्स तब लेती हूँ जब कोई बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि 100% यहाँ पे सूट करते हैं, क्योंकि मेटाफोर्स क्या है, वो आपकी मनगढ़ंत बातें हैं कि ये ऐसा होता है तो उसको चेज करना इज दिस थिंग, जो मुझे सूट नहीं करती। सो सॉरी फॉर दैट, ना तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ना मुझे उसके बारे में कुछ पता है कि चेजिंग पीकॉक्स में हम किस तरह से मेटाफोर बनाएंगे या लेंगे। सो सॉरी फॉर दैट ओके मैडम, जी। तो अभी हम एक और इसी तरह का वोकल कॉर्ड सिस्ट वो केस लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, अबाउट 20 years बैक मेरे पास आया था। तो अब जो मेरे पास इस केस की डिटेल नहीं है, लेकिन जो मैं बोलूंगी वो आप सुनिए, और जो वो पेशेंट बोलता है वो आज तक मेरे दिमाग में वैसे ही फिक्स है। एक पेशेंट आता है, सिंगर है, बहुत रिनाउंड सिंगर, और मुझे आके एक बहुत बड़ी गाड़ी में आया, बाहर गाड़ी, बाहर 3 4 उसके बंदे, खूब ऊंचे लंबे,
गन पकड़ी हुई साथ में खड़े हैं बाहर। तो कोई लेके आया मेरे पास, मैंने कहा जी हाँ जी। कहते कि मेरे गले में वोकल कॉर्ड में सिस्ट हो गया है, और मैंने पीजीआई से, हमारे यहाँ पंजाब में पीजीआई सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जब बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती तो वहां पर ही जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने पीजीआई से 1.5 साल से ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, और उन्होंने बोला है कि ये सिस्ट है, इसको उन्होंने स्टीरॉइड्स दिए, उन्होंने एंटीबायोटिक्स दिए, पता नहीं क्या क्या दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और उन्होंने बोला कि अब सर्जरी होगी इसकी, लेकिन सर्जरी के बाद हम आपको गारंटी नहीं देते कि आपका गला ठीक हो जाएगा। उस पेशेंट ने बोला कि मैं डॉक्टर साहब 5 बार अपनी रिकॉर्डिंग्स कैंसिल कर चुका हूं 1.5 साल से, मेरे से गाया ही नहीं जाता, मेरे से ऊंची आवाज ही नहीं निकलती। मैंने कहा फिर? तो उसने क्या बोला कि कहता कि डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल से ये मैंने इतनी मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है कि लोग मुझे जानते हैं कि ये फलाना बंदा आ रहा है। अगर मेरा गाना बंद हो गया, मेरी तो सारा काम खत्म हो जाएगा। मुझे यही डर है कि मेरी जो सोसाइटी में पोजीशन है उसका क्या होगा, इस बात का मुझे डर है। लोग मुझे कैसे देखेंगे, मेरी इतनी अच्छी इतनी बढ़िया मेरी पोजीशन है उसका क्या होगा। मुझे ये डर ज्यादा सताए जा रहा है, क्योंकि मैं इतने सालों से गा रहा हूं और अब 1.5 साल से मैं एक भी सॉन्ग नहीं निकाल सका। उस टाइम पे कैसेट्स आया करती थी, और वो हर 3-4 महीने में एक आधी कैसेट निकाल देता था। अभी तो टाइम बदल गया, अभी तो यूट्यूब एंड ऑल दैट बहुत कुछ आ गया। तो डॉक्टर साहब मुझे इस बात का बहुत डर है कि मेरी जो पोजीशन है, मेरा जो रुतबा है, कहीं वो खो ना जाए। तो बहुत शुरू के दिनों की बात है, इट वॉज अबाउट 2003-04 की शायद बात है। तो मैंने उनके 3-4 इसके साथ रिलेटेड रूब्रिक्स लिए हैं। पहला तो वो ट्यूमर्स बेनाइन सिस्टिक, जो उन्होंने बोला कि मैं आज एक मुकाम तक पहुंच गया हूं और लोग मुझे जानते हैं। डिल्यूजन ग्रेट पर्सन इज कि उसने वो हासिल किया है, एंड डिल्यूजन डिस्टिंग्विश्ड कि मेरी लोग मुझे जानते हैं, जानते पहचानते हैं, उसकी प्रतिष्ठा है, उसका मान सम्मान है। और हो क्या जाएगा अगर वो नहीं गा रहा? तो फियर सोशल पोजीशन अबाउट हिज, अपनी जो उसकी सोसाइटी में पोजीशन है उसके बारे में उसको डर लग रहा है। फियर टू लूज हिज ल्यूक्रेटिव पोजीशन, जो इतनी अच्छी उसकी पोजीशन है, जो इसका उसका इतना मान सम्मान बना हुआ है, जो उसका रुतबा है, उसके खो जाने का डर। और एक मैंने और जो मैंने ऑब्जर्व किया, बोस्टर ब्रैगर्ट रिच विशेस टू बी कंसिडर्ड एज, क्योंकि वो बाहर इतनी बड़ी गाड़ी में आया। तब लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, 20-22 साल पुरानी बात है। तो ये सब कुछ देखते हुए जब मैंने अपने लैपटॉप में ये केस, ये ऐसे रूब्रिक्स डाले, अगेन आई वाज एस्टोनिश्ड कि उसमें एक ही मेडिसिन थी, दैट वाज विरेट्रम एल्बम। और विरेट्रम का मैंने उनको 30 की एक डोज दी। मैंने कहा, वहां मेरा वीकली यूनिट है मोहाली में, वहां पे आए थे ये, तो मैंने उनको बोला कि आप अगले हफ्ते मुझे फिर से दिखाइएगा। और आप इमेजिन नहीं करोगे, उसने मुझे बोला कि आज रात को भी मेरी रिकॉर्डिंग है और मुझे नहीं लगता कि मेरे से होगी। पता नहीं क्या हुआ, उस विरेट्रम एल्बम ने क्या जादू किया। उस रात जो उसकी रिकॉर्डिंग थी, उसने 5 गाने रिकॉर्ड किए जो वो 1.5 साल से नहीं गा सका था। ही रिकॉर्डेड 5 सॉन्ग्स, और वो इतना हैरान था कि ये हुआ क्या, ऐसा क्या जादू हो गया कि होम्योपैथी की अभी तो एक पुड़ी ली थी, दोपहर को ली, रात को उसकी रिकॉर्डिंग थी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। मैं तो ऐसे केसेस देख के हैरान हो जाती हूँ कि कितनी मास्टर मेडिसिन है ये।
सिर्फ चार पांच रूब्रिक्स लिए, सभी में बाय चांस एक ही मेडिसिन है। जो उसकी सेकेंड मेडिसिन आती है दैट इज लैकेसिस, उसमें कोई सोशल पोजीशन का नहीं है, उसका उसका कुछ डर नहीं है। तो यहाँ पे उसके मन में डर, जो लड़की वाला पिछला केस था उसमें कोई डर नहीं था, लेकिन इस केस में उसको डर था कि मेरी जो पोजीशन है कहीं वो ना मैं खो ना दूं। और वैसे भी विरेटरम वाले बड़े ऐसे ही होते हैं, बड़े फुकरे काइंड ऑफ पीपल होते हैं, अपने साथ चार चार बंदों को लेके जाना इस तरह के होते हैं। और जब अगली बार आए तो वो कहते डॉक्टर साहब हैरानी होगी भाई, मैंने उसी दिन इतने गाने गा लिए, 5 सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर दिए। एंड ही सेड कि मैं कुछ दिनों के बाद फिर पीजे दिखाने गया उनको कि मेरा ये सिस्ट चेक करो। जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बताया कि वो सिस्ट जो है वहां पे अभी कुछ नहीं है, देयर इज ओनली अ स्कार, सिर्फ एक निशान है, अदरवाइज वो जो बीच में था वो तो सब उड़ गया। मुझे लगता है कि विरेटरम ने ऐसा इफेक्ट किया कि बिल्कुल टारगेट को हिट किया और फट गया, जो सिस्ट था वो फट गया एंड डन, खत्म, बात ही खत्म। सो अगेन दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। तो अभी आपको डर, फियर वाली स्टेज एंड दूसरा वो समझ आया? हेलो एवरीवन, सभी जाग रहे जी हैं? यस मैडम, यस जी, मैम। मैंने सोचा पता नहीं मैं बोली जा रही हूँ, एवरीबडी स्लीपिंग। जी, सो अभी हम एक और केस करेंगे, वोकल कॉर्ड का। ये भी मैडम बहुत ही सुंदर केस। मैडम मैडम, जी दोनों केस बहुत ब्यूटीफुली आपने बड़े थैंक जबरदस्त तरीके से हल किए और माशाल्लाह जबरदस्त मजा आ गया। बैटम एल्बम पे तो कमाल हो गया। यू, थैंक यू। थैंक अभी यू हम मैम, थैंक एक और केस करेंगे, यू मैम। ये भी अगेन वोकल कॉर्ड का केस है, वोकल कॉर्ड पॉलिप है। मेरे पास एक लेडी आती है, शी इज 55 years old, इनकी आवाज बैठी हुई है, आवाज निकलती नहीं है, गले से बोल ही नहीं पाते। तो मेरे पास ये जुलाई में आए, 21 में, और इन्होंने बोला कि दिसंबर से, मतलब 7-8 महीनों से मेरी आवाज इस तरह से बैठी हुई है, और डॉक्टर्स ने बताया कि वोकल कॉर्ड के ऊपर सिस्ट हो गया है और आवाज बिल्कुल नहीं निकलती, बड़ी मुश्किल से बोल रहे थे वो। तो कहते मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, चंडीगढ़ में दिखाया, शाहबाद में दिखाया, पता नहीं 4-5 जगह के नाम लिए। डॉक्टर्स ने पता नहीं अंदर क्या डाल डाल के, मेरे कैमरे डाल डाल के मेरा वो मुआयना किया उन्होंने, बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक था अंदर वो, दैट वाज एंडोस्कोपी, उन्होंने एंडोस्कोपी की। उसको बोल रहे थे कि कैमरे डाल डाल के उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। और मैंने कभी होम्योपैथी नहीं ली, लेकिन हमारे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप चलो होम्योपैथी लो इसके लिए, अगर 4-6 महीने तो हो गए दवाई लेते हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा। और मुझे कहते कि तब आप अमेरिका गए हुए थे, फिर मैं आपकी वेट करती रही कि जब आप आओगे फिर मैं आते आपको दिखाऊंगी। सो आप कल ही आए और आज ही मैं आपके पास, मुझे पता चल गया कि आप आ गए। तो मैंने पूछा पहले कभी होम्योपैथी ली? वो कहते नहीं, पहले कभी होम्योपैथी नहीं ली, पहली बार लेने जा रही हूँ। और हमारे रिलेटिव है, उन्होंने बताया, उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ की है। क्या, वाह, ओके। तो मैंने कहा इससे और क्या प्रॉब्लम होती है? कहते कुछ नहीं, बस बोलना ही नहीं जाता है, अभी भी मेरी आवाज देखो कैसी निकल रही है। और एलोपैथी लेती हूँ, उसके तो साइड इफेक्ट इतने, पेट में गैस इतना, यहाँ पे भरा भरा, और बहुत देर से मैं ले ही जा रही हूँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं, उल्टा और ही मेरे पास गैस वूस बन गई, एसिडिटी बन गई, ऐसा है। फिर मैंने कहा जी अपने बारे में बताइए, फैमिली, आपका नेचर, सब कुछ। तो वो कहते कि गुस्सा गुस्सा तो आता है, कभी कभी आ जाता है, बोल देती हूँ और 2 मिनट में, 5 मिनट में ठीक बोल बोल देती हूँ, कह देती हूँ, निकाल देती हूँ, और कह कू के 2-4 मिनट में ठीक। ये नहीं कि मैं अपने दिमाग में रखती हूँ वो बात, मैं नहीं, मैं बोल बोल के बात खत्म है। भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ और
मैंने कोई सुख सुखी हुई है, मैंने वो मन्नत मानी हुई है, मांगी हुई है, तो मैं वहां पे गुरुद्वारे हर शनिवार इतवार को जाती हूँ, और वो वहां से ही हम प्रेयर करते हैं। और मैंने कहा और किसी बच्चों की चिंता, कोई और चिंता? कहते नहीं, कोई भी चिंता नहीं है, ना बच्चों की चिंता है, ना किसी चीज की चिंता है, बस एक यही है कि मेरी आवाज नहीं निकलती। तो मैंने कहा कि बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मेरे दिमाग में दो तीन बातें आई इस वक्त। पहली बात तो जो उन्होंने जिस तरह से मुझे एक्सप्रेस करके बताया बताया कि वो मेरे अंदर पता नहीं क्या कैमरे डाल डाल के पता नहीं क्या किया मेरे साथ, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। सो दिस वॉज वॉट वॉज दिस दिस इज लाइट डिजायर। ये लाइट डिजायर जानने वाली इच्छा नहीं है, ये लाइट डिजायर है कि झमेला, ये जो झमेला है जो उन्होंने पता नहीं अंदर क्या डाला, झमेला। तो लाइट डिजायर का मीनिंग झमेला भी होता है, झमेले से परे रहना कि नहीं ऐसा ऐसा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा कि पता नहीं क्या किया उन्होंने, एक बार नहीं दो बार उन्होंने किया। तो लाइट डिजायर है, मेरी वेट कर रहे हैं कि कब डॉक्टर आए, कब दवाई ले। एलोपैथी बहुत ली, उससे बहुत ज्यादा गैस वगैरह बनती है। ओ हो, दिस इज ऑब्जेक्टिव रीजनेबल के दवाइयां खाई जा रही हैं, एसिडिटी होती है, एक रीजन है कि मैंने एलोपैथी नहीं लेनी। और जो मन्नत मांगी है वो क्या है? मेरे अकॉर्डिंगली तो वो सुपरस्टिशन है कि हम वैसे ही, एक विश्वास होता है, कोई लॉजिक नहीं होता। जहां पे लॉजिक नहीं है वहां सुपरस्टिशन है। उनके मन में एक विश्वास है कि अगर मैं भगवान से ये मन्नत मांगूंगी कि ऐसे मेरा पूरा हो जाए कोई भी चीज किसी के लिए भी, तो वो ठीक हो जाएगी। तो इसको मैंने सुपरस्टिशियस लिया, एंड रिलीजियस अफेक्शन एज वेल, के भगवान पे विश्वास करना, गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना, हफ्ते में दो बार जाना, इस तरह का। एंड फ्रिवलस, ये मैं थोड़ी देर के बाद बताती हूँ कि ऐसा क्यों। तो मैंने उनको ये सारा देख के, मुझे देखते सारी लग गया था कि शी इज बेलाडोना। मैंने उनको बेलाडोना 30 की एक डोज दी और वो चले गए। 2-3 महीने नहीं आए, मुझे कुछ नहीं पता ठीक हुए नहीं हुए। उसके बाद महीने, 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद के उनका बेटा आया कि दवाई दे दो, वो ठीक है। कितने ठीक है? कुछ ठीक है, कुछ नहीं बताया। मैंने दवाई फिर से रिपीट कर दी, बेलेडोना 30। एंड फिर वो 6 महीने मेरे पास नहीं आए। 6 महीने के बाद फिर से आते हैं, फिर भी उनका बेटा आता है कि दवाई दे दो जी, फिर दवाई रिपीट करती। जब पूछा कैसे, बस ठीक है जी, वो हमारे पंजाब में ऐसे ही चलता है, बस ठीक है जी, सब ठीक है। तो मेरे पास जब पहली बार दवाई लेके गए, वो 6-7 को लेके गए थे, जुलाई 21 को, और जब दूसरी बार आए तो 6-22 को आए, पूरे 11 महीने के बाद। और मैंने कहा कि आपने अच्छी तरह से पता ही, सिर्फ उस बीच में 3 बार दवाई गई उनकी। और मैंने कहा कि आपने बताया नहीं कि कैसे, कितना अच्छा है। कहते मेरा तो किडनी वाला वो क्रेटिनिन बढ़ गया था, वो भी ठीक हो गया। मैंने कहा कैसे? कहते वही जो दवाई आपने दी थी उससे वो भी ठीक हो गया। आई सेड ओके। तो मैंने कहा हुआ क्या था? इतने में मेरे हस्बैंड इधर से आते हैं, डॉक्टर साहब। उनको कहते हैं रुको डॉक्टर साहब, मैंने आपको एक बात बतानी है। कहते जी पिछले साल मैं डॉक्टर साहब के पास आई और इन्होंने एक पुड़ी मेरे मुंह में डाली, अभी मैं यहां से कार तक नहीं गई और मेरी आवाज 100% ठीक हो गई। यहां से कार तक हार्डली 1-1.5 मिनट लगता होगा, 2 मिनट लगे होंगे, उतने में वो ठीक हो गए। और कहते उसके बाद मैंने 5-4 3-4 बार दवाई मंगवाई अपने बेटे से, कभी मुझे ये प्रॉब्लम नहीं।
अब क्योंकि वो झमेले से परे रहने वाले थे तो दोबारा तो एंडोस्कोपी नहीं करवाई, लेकिन उनकी आवाज बिल्कुल ठीक हो गई। और फिर उन्होंने सारी बात रिपीट की कि मैडम अमेरिका गए हुए थे, इनकी मैंने वेट की, वेट के बाद फिर जिस जैसे ही लेके गई तो बिल्कुल ठीक हो। सो इन ऑल दीज थ्री केसेस, तीनों केसेस में होम्योपैथी ने इतना अच्छा काम किया कि हैट्स ऑफ टू होम्योपैथी। और मैडम, अभी भी वो मुझे लगता है वो फ्रिवलस कैसे थे, हर वो पेशेंट जो दवाई लेना भूल जाता है, एक बार दवाई ली मुड़ के 2 महीने के बाद आ रहा है, लापरवाह, अनरिलायबल इन प्रोमिसेस के कुछ कोई बात कहे, हाँ जी डॉक्टर साहब अगले हफ्ते दवाई लेने आऊंगा, आया ही नहीं। फिर दोबारा 4 महीने के बाद, फिर दोबारा 3 महीने के बाद, और खुद कब आते हैं, पूरे ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद, जुलाई से लेके दोबारा जून में अगले साल वो मेरे पास आते हैं। सो दिस इज व्हाट, ये फ्रिवलेस कैसी हुई ना, कि इतना बंदा कोई एक्शन ही नहीं ले रहा कि उसको प्रॉब्लम थी या प्रॉब्लम है, कोई परवाह नहीं, नॉट सीरियस अबाउट हिज प्रॉब्लम, नॉट सीरियस इन टेकिंग एक्शन। दवाई एक बार ले ली, दवाई तो हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाएगी, पर वो 3 महीने तक मुड़ के कोई परवाह नहीं। सो दिस इज व्हाट फ्रिवलेसनेस इज। लाइट के जैसे नॉलेज एक मीनिंग है, लाइट, ये रोशनी जो है वो भी लाइट है, और हल्का रहना वो भी लाइट है, और झमेले से परे रहना वो भी लाइट है, बोझ ना बनना या बोझ ना सह सकना वो भी लाइट है। सो लाइट एक ऐसा वर्ड है जिसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, और बहुत बार हम तरह तरह के कंडीशंस में लेते हैं, टेस्ट करवाना है वो भी लाइट डिजायर है, पेशेंट चाहता है कि टेस्ट करवाओ, खाना हल्का खाता है वो भी लाइट डिजायर है। एक बार मेरे पास एक पेशेंट, मुझे अभी 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 याद आया कि कैंसर का पेशेंट था, ये भी तकरीबन 20-25 साल पुरानी बात है, तो मैंने अपनी वीडियोस में भी ये केस बताया हुआ है कि उसको कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया, इतना बड़ा उसका लेफ्ट किडनी से इतना बड़ा ट्यूमर निकाल दिया डॉक्टर्स ने, उन्होंने बोला कि जहां रहते हो वहां जाके रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी करवाओ। वो आ गए हमारी एक छोटी सी डिस्पेंसरी में कि डॉक्टर साहब छोड़ो, हम मैंने नहीं करवानी वो कीमोथेरेपी वगैरह, तो अब मुझे लग रहा है कि मेरे इधर भी दर्द हो रहा है। तो हम तो बड़े सीरियस हुए, हमने कहा कि लो, कि पहले तो एक साइड पे था वो तो निकाल दिया, अब दूसरी साइड पे फैल रहा होगा। तो मेरे साथ एक डॉक्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने उनसे बड़े सवाल पूछे, कितनी देर, आधा घंटा पूछते रहे, उन्होंने इतने सवाल पूछे कि पेशेंट को वो परेशान हो गई और उठ के चीखे मारती मारती उठ के भाग गई। हमने कहा हुआ क्या? तो अगली बार जब उसके हस्बैंड है, तो हमने उसके हस्बैंड को पता नहीं, उन्होंने हायोसेमस दे दी मेडिसिन कि ये हायोसेमस दे दो, वो डरती है कि ऑपरेशन ना करवाए, जबकि वो बात नहीं थी। जब नेक्स्ट टाइम उसको उसका हस्बैंड बुला के लेके आया, तो उनसे पूछा कि आप भाग के क्यों गए थे, देन शी सेड कि डॉक्टर ने इतने सवाल पूछे। तो ये जो इतने ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, ये भी पेशेंट के लिए एक बोझ है, तो वो हल्का रहना चाहता है, उसको हमने बेलाडोना दी थी, और वो लेडी कितने, 2001 दो की बात है, 22-23 साल हो गए, आज भी जिंदा है, एक ही किडनी है, दूसरी किडनी तो इतने बड़े ट्यूमर के साथ रिमूव की थी, और आज भी वो जिंदा है, और मुझे लगता है कि बेलाडोना की वजह से ही वो जिंदा है। सो इस तरह होम्योपैथी में कब क्या रिजल्ट मिल जाए, कौन सा रूब्रिक किस तरह से जुड़ जाए, ये कुछ नहीं पता चलता है। मैडम सो जी, मैडम, एनी अगर कोई क्वेश्चंस? पेशेंट या अगर आके ये कहे कि मैं बड़ी आस और उम्मीद लेके आया हूं आपके पास, तो ये इसको किस तरह हम रूब्रिक बना सकते हैं? आस और उम्मीद कैसे, कैसे पूछो, किस तरह से, क्या वो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है, उसने किसी को, अपने घर वाले को या किसी रिश्तेदार को ठीक होते देखा है, या अकेला सुपरस्टिशन ही है,
कि बस मेरे मुझे तो बहुत है, या रिलीजियस अफेक्शन है, किस तरह से वो प्रेजेंट कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मुझे तो बहुत आस है, क्या वहां पे ये हाथ जोड़ना भी इंक्लूड होता है, क्या वहां पे बेगिंग है, क्या वहां पे प्रेइंग है, तो डिफरेंट डिफरेंट पहलू होते हैं हर पेशेंट के अपनी जवानी वो बात बोलने के, तो वहां पर होपफुल हो सकता है, सुपरस्टिशियस हो सकता है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल हो सकता है, किसी भी तरह से हम उसको ले सकते हैं, किसी भी तरह से। ओके मैडम, एनी अदर थैंक यू क्वेश्चंस मैम। रिगार्डिंग ऑल तो दीज अपनी थ्री केसेस? मैम अभी वाले केस में जो आपने बताया कि वो अपनी रेडियो और कीमो छोड़ के आपके पास आई, तो इसको आपने फ्रिवुलस लिया, तो इसको हम नो सेंस ऑफ डेंजर से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? ये बहुत पुराना केस है, उसको तो ये था कि मैं क्यों छोड़ के आई, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट था, छोड़ के आई डेंजर की सेंस, उसको नहीं पता था कि उसको कैंसर वैंसर है, वो छोड़ के इसलिए आई कि वहां इतनी भीड़ होगी, इतना बड़ा अस्पताल होगा, कहाँ मैं वो झमेले में फंसूंगी, अगेन दैट वाज लाइक डिजायर, वो इसलिए नहीं वहां पे गई कि मैंने नहीं करवाना, मेरे से नहीं, उस भीड़ में जाओ लेटे रहो सुबह से शाम तक लेटे रहो, वो नहीं मेरे से होता, मतलब कितना ज्यादा पक्का लाइट हल्का रहने का, बोझ के बिना, कोई बोझ नहीं मुझे चाहिए, सो इसलिए हमने ये लिया, वहां पे डेंजर वाली कोई बात नहीं थी कि उसको लगता था कि इससे मुझे खतरा है, मुझे कुछ हो जाएगा, या खतरे का कोई आभास नहीं है, नो सेंस ऑफ डेंजर, ऐसा कुछ नहीं था, डेंजर के साथ रिलेटेड कुछ नहीं था, लेकिन वो हल्का रहना चाहती, तभी वो चीखे मार मार के पहली बार भाग गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने उससे सवाल कुछ ज्यादा पूछ लिए थे, सिर्फ इसी बात पे, आप ये देखो कि 5 सवाल की बजाय 10 15 20 सवाल पूछ लिए, तो इसी बात पे उसको बोझ पड़ गया उसके सिर के ऊपर। मैम मेरे पास भी एक कीमो छोड़ के पेशेंट आई है, उसको यूरिनरी ब्लैडर में सिस्ट थी, वो रिमूव कर दी और उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप कीमो लो, बट उसने कीमो बीच में छोड़ दी। उसने ये बोला कि कीमो करवाने से तो मेरी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, इसलिए मैं कीमो करवाना चाहती। हाँ, तो क्या बनेगा ये? मैम इंजर्ड बीइंग, फियर इंजर्ड बीइंग। दिस इज ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, उसके पास एक रीजन है कि मैंने ऐसे नहीं करवाना क्योंकि इससे ये होता है, ओके ठीक हाँ इससे मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, हम इसको ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में लेते हैं, उसमें पहले तो 14 मेडिसिन्स थी, अभी तो पता नहीं कितनी आ गई है, सो इस तरह से हर रूब्रिक के पीछे की क्या कहानी है आपने वो जाननी है, अकेले रूब्रिक ही टका के नहीं लगा देने के ये बन गया, इंजर हो गया, ये हो गया, नो, उसके वो ऐसा क्यों करता है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया कि हर चीज के पीछे जो क्यों है उसका रीजन है वो जानने की कोशिश करो, क्योंकि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें अक्सर पढ़ाया जाता था कि पल्साटिला बहुत रोता है, तो हमारे मन में ये फंसा हुआ था कि अगर कोई पेशेंट आके रोएगा तो वो पल्साटिला होगा, लेकिन जैसे जैसे हमने आगे पढ़ा तो हमें पता चला कि रोने वाले में 20 दवाइयां हैं, सबके अलग अलग रीजन है रोने के, इग्नेशिया का ग्रीफ है, सीपिया की पुअरनेस है, पल्साटिला का अकेलापन है, निग्लेक्ट है, बेम्बूजा की स्पोट है, हर मेडिसिन का डिफरेंट रीजन है, तो वो रीजन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो मैम। जी मैम अगर कोई ऐसे कहता है कि जैसे मुझे इंडिया में डस्ट पसंद नहीं है, कोई जो है NRI वापस आते हैं, तो उनको भी एक्सक्लूसिव टू ले सकते हैं या इसके लिए क्या लेंगे? हाँ, ले सकते हैं, ले सकते हैं, कि मुझे नहीं इंडिया पसंद, कि वो तो खुद को बड़ा वो समझ रहा है, मैं तो अमेरिका में ही रह सकता हूँ, मैं तो कनाडा में ही रह सकता हूँ, या मैं नहीं ऐसे, मुझे तो मैं तो बड़ा, जहां पे पेशेंट खुद को स्पेशल समझे वहां पे एक्सक्लूसिव टू ले सकते हैं, कि मैं आई एम, मेरे से नहीं मिट्टी धूल, नो ऐसे, थैंक यू मैम। या मुझे लगता है टाइम भी मैम हो गया, सो
मैम जी, मैम इट कैन बी ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस आल्सो। इट एक कैन बी मेरे ड्यू पास टू फाइनेंशियल रीजंस, एक पेशेंट थी, उसका नेफ्रो क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ा हुआ था, एलोपैथिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही थी, स्टीरॉयड वगैरह दिए थे उन्होंने, कुछ जी, कुछ टाइम लिया। उसके बाद उसने बोला, अरे डॉक्टर ने स्टीरॉयड दिए, रिपोर्ट तो ठीक आ गई मेरी, बट स्टीरॉयड्स के जो साइड इफेक्ट थे उसने अपने आप ही छोड़ दिया। देन शी वेंट फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, एक कुछ दिन लिया, डॉक्टर अच्छा नहीं लगा, पूछ नहीं रहा, देन दे केम फॉर द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, फिर फोन पे रिपोर्ट भेज दी। अब बार बार कहे कि आप हमें दवाई लिखो, दवाई लिखो, ऐसे कि मेरे को पूरा केस समझना है, मैं दवाई नहीं जी लिख सकती। तो बिल्कुल, उस बीच में मैंने थोड़ी उसकी डिटेल हिस्ट्री ली, एक हमारी डॉक्टर है होम्योपैथिक की, वो किडनी के पेशेंट्स लेती है, मैंने उनसे बात की, तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह हमने सारे रिपीट करने के लिए बोले। कुछ टाइम तक रिस्पॉन्स नहीं आया, एंड उसके बाद लिखा कि ये मेरे पैनल में नहीं आता, ओके, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इज इन पैनल, तो मैं वो लूंगी और ये नहीं लूंगी। नहीं तो जब तक हमने उसको मतलब सिर्फ रिपोर्ट शेयर करके, शी वॉज जल्दी मेरे को दवाई लिखो, मेरे को दवाई लिखो, इट वॉज अ गुड थिंग कि वी नेवर, हमने क्विक डिसीजन नहीं लिया, बट हमने पेशेंट को चेंज होते हुए देखा कि फाइनेंशियल प्रेशर है कि हम उसको नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। किडनी की बायोप्सी है या ब्लड टेस्ट है, उनको हॉस्पिटल वाला तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट रिम्बर्सेबल है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट रिम्बर्सेबल नहीं है, एंड पेशेंट बार बार नहीं चेंज कर तो रहे हैं, हाँ, एलोपैथिक आयुर्वेदिक, बहुत शी बार नॉट ऐसा होता सीरियस है अबाउट हर कि केस। मैंने इतना उसको समझाया कि किडनी का केस है। हाँ नहीं सुनो, बहुत बार पेशेंट के लिए फाइनेंशियल रीजंस उसके रीजन होता है कि हम, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना क्योंकि पैसे नहीं है या पैसे खर्चना नहीं चाहती। ये जैसे इस केस में भी कि मेरी रिइंबर्समेंट नहीं होगी तो मैंने होम्योपैथी लेनी। उनको कोई होम्योपैथी से प्यार नहीं है, उनको सिर्फ अपने पैसे से प्यार है। तो मनी के साथ रिलेटेड, इसमें बिजनेस के साथ रिलेटेड वो रूब्रिक्स आप स्टडी कीजिए, वहां पे आपको उसका आंसर मिलेगा कि बट पेशेंट ये एवराइस है। सीरियस केस था, वो समझ नहीं पा रही थी किडनी के इशू को। नहीं सीरियस तो है, अब किडनी का केस है, क्रेटिनिन उसका बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स सीरियस, लेकिन पेशेंट तो सीरियस नहीं है ना। पेशेंट को समझाने के बावजूद भी उसके लिए मनी जो है, पैसा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एवराइस आ जाएगा, एंजाइटी, मनी मैटर्स अबाउट आ जाएगा, डिल्यूजन पुअर आ जाएगा, फियर पॉवर्टी आएगा, बहुत से ऐसे रिलेटेड रूब्रिक्स है जो हम इन केसेस में जो पैसों के साथ रिलेटेड है वहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू मैम। जी डॉक्टर मानसी, जी मैम, तो थैंक यू वेरी मच मैम, ऑन बिहाफ ऑफ इग्नाइटेड माइंड्स बाय पीएचएफ, इट वाज अ वेरी वंडरफुल इंफॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल सेशन। सो थैंक यू, इतना सिंपली सिटी से आपने समझाया। तो जैसे मैंने सुबह भी आपके बारे में लिखा था कि ये आप एक कॉम्बिनेशन है, डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी एंड हम्बलनेस, तो ओह आपको थैंक यू इतना सो मच। सीनियर होने के बावजूद भी इतना हम्बलनेस आप में है, तो इट इज रियली अ रिमार्केबल क्वालिटी आई कैन से। सो थैंक यू थैंक सो मच, यू वेरी थैंक मच, यू, थैंक यू लियाकत सर, एंड थैंक यू द ऑडियंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू माय ओके। टीम पीएचएफ। मैं एक बात मैंने और कहनी थी, मैं भूल गई कि यूट्यूब पर मेरा चैनल है डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, लिखिए, वहां से आप बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, वहां से लर्न कर सकते हैं। और अभी मैं एक 10th से क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ जो पेड क्लास है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते बिल्कुल, मैं बताने वाला था दीदी, अभी मानसी हैं। भूल गई, जी मैं बोलने जी वाला था, दीदी के जी यूट्यूब वीडियो और क्लासेस बिल्कुल ज्वाइन करो, शी हैज वंडरफुल कमांड्स ऑन रूब्रिक्स एंड वेरी सिंपल वे शी डिस्क्राइब्स। अभी आपने देखा कि हाउ सिंपली शी केम टू सल्फर इन द फर्स्ट केस एंड देन वेराट्रम एंड देन बेलाडोना, एंड हाउ सिंपली शी एक्सप्लेन एक्सक्लूसिव। तो
okay, and the importance of why, and so easily she reaches out to the things. ये आप देखो बहुत आसान लगने वाली चीज है, पर मैं वो बता रहा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल. तो टू अचीव सिंपलिसिटी यू नीड टू रियली लर्न टू बी सिंपल. ओके, वो जाकिर खान ने कहता है ना कि बहुत पिघलने के बाद सख्ती आती है. वैसा होता है, वो बहुत मुश्किल से सिंपलिसिटी आती है. नीलम दीदी के लेक्चर जरूर जरूर ज्वाइन करो, जरूर जरूर ज्वाइन करो, मैं भी कहता हूँ जरूर ज्वाइन. थैंक यू वेरी मच दीदी, थैंक यू. इट इज Okay then, thank you everyone. Thank always you, Dr. listening to your Liaquat. beautiful voice, listening to your beautiful voice. Thank you हम so लोग much. नीलम दीदी को बेबी क्वीन कहते हैं हमारी. जी. थैंक यू दीदी, Thank you ओके, everyone. Thank थैंक you. यू, थैंक जी. यू गाइस, थैंक यू बेटा निशा, थैंक थैंक यू यू, मैम. थैंक यू सर.